नमस्कार दोस्तों, और मैं तेजस मौर्या, 2020 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्वालिफाइड मेन कैंपस। तो आज किस तरीके से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और किस तरीके से क्वालिफाइड किया, क्या क्या बीच में समस्याएं आई, कितने आसानी से क्या क्या होते चला गया, इन सभी बारे में छोटी छोटी आपको शेयर करता हूं। क्योंकि मैंने महसूस किया कहीं कहीं आप आते समय आपको जानकारी नहीं होती कि आप कैसे हर चीज़ क्वालिफाई करेंगे या क्या क्या आपके साथ होगा, वो सब जर्नी स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास क्या था कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अचानक से मेरे देने का मन हुआ कि मैं आइए जब यूपीएससी तैयारी करनी है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देते हैं, क्योंकि उससे बेहतर तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से जो माहौल है वो आपको कहीं और मिल पाएगा। तो मैंने 15-16 दिन जो तैयारी किया होगा, किस तरीके से तैयारी की वो सब पर, तो सबसे पहले तो मैंने इसका सिलेबस चेक किया, आपको भी सिलेबस बता देता हूँ। इसमें तीन तो एक मतलब फिक्स रहता है, जैसे हिंदी इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए, और उसके बाद एक रीजनिंग रहता है जो आपका फिक्स रहता है, जिसमें मैथमेटिक्स भी इस साल आ गया था अचानक से। उसके बाद एक होता है जीके पोर्शन, जिसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे इस बार मूवी क्वेश्चन आ गया। अब अगर कोई मूवी देखने वाला आप लोगों में से होगा तो मुझे लगता है वो कर ले जाएगा क्वेश्चन। और उसके बाद जो तीन मतलब छः सब्जेक्ट बी वालों के लिए होते हैं, उसमें से तीन उनको चॉइस करना होता है, जैसे कि एक होता है आपका ज्योग्राफी हो गई, एक हो गया हिस्ट्री, एक हो गया इकोनॉमिक्स, और एक हो गया आपका सिविक्स, उर्दू और संस्कृत। इस छः में से आपको तीन जो है लेना पड़ता है, और तीनों के जो है 25-25 क्वेश्चन आते हैं, और नॉर्मली एक क्वेश्चन का दो नंबर होता है, जो कि 2019 से ही इसमें क्या हुआ, निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया। तो आप ये सोच के चलिए कि आपको कम से कम 100 क्वेश्चन सही करने हैं। 100 क्वेश्चन सही करने के बाद आप ये मान के चलिए कि आपको कैंपस तो कोई नहीं ले जा रहा है, और कैंपस की बात छोड़िए आप हॉस्टल भी अच्छे पा जाएंगे। और इसके बाद क्या हुआ, इसमें आप देख सकते हैं जैसे हिंदी इंग्लिश आप लेते तो आप जो जिस लैंग्वेज में भी आप तैयारी करना चाहते हैं, शुरुआत से ही आप सोच के बैठे रहे कि हमको इंग्लिश में या हिंदी में देना ही देना है, तो उसके 25 क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली एक छोटा सा सिलेबस, बहुत ज़्यादा नहीं हिंदी आता, सरल आता है। जैसे नॉर्मली अगर हिंदी मीडियम को होंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत आसान होगा, और जो इंग्लिश मीडियम का मैं तो ये प्रीफर करूँगा तो इंग्लिश ही लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, नॉर्मल इंग्लिश आती है। उसके बाद एक पोर्शन आता है रीजनिंग का, रीजनिंग नॉर्मल रीजनिंग वर्बल रीजनिंग आता है, ज़्यादा कठिन नहीं आता है, उसमें कैलेंडर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग और एनालिटिकल रीजनिंग भी थोड़ा बहुत आ जाता है। और उसके बाद आपका पोर्शन रहता है जीके का, अब जीके कहीं से भी पूछा जा सकता है, जीके का कोई लिमिट नहीं है, और उसमें आप कहीं पुरानी चीज़ें पूछ सकता है, कुछ नई चीज़ें पूछ सकता है। इस बार जब मैंने अनुभव किया कि उसमें मूवी का पूछा था कि मतलब जो आपका हैरी पॉटर है वो उसका फर्स्ट एडिशन कब आया था, अब वो सब चीज़ें जब नॉर्मली आदमी मूवी नहीं देखता हॉलीवुड की तो कहाँ से बताएगा, ऐसे ऐसी चीज़ें पूछ लिया था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब वो जीके में हो सकता है आपका हिस्ट्री से पूछ ले, ज्योग्राफी से पूछ ले, सिविक्स से पूछ ले, कहीं से भी पूछ सकता है। उसके बाद आप जो तीन सब्जेक्ट लेंगे, जैसे आप जो मैंने लिया था हिस्ट्री प्रीफर किया था, और उसके बाद सेकंड जो प्रीफर किया था सिविक्स, और एक लॉजिक ले लिया था, बट आप एक चीज़ दिमाग में बैठा के रखिएगा, लॉजिक मत लीजिएगा। लॉजिक इसलिए मत लीजिए क्योंकि मैंने झेल चुका हूँ लॉजिक। आप सोचेंगे बहुत लोग मैंने देखा यूट्यूब पे बताएं कि वो लॉजिक मतलब मैथमेटिक्स, वो लॉजिक मैथमेटिक्स वाला पोर्शन नहीं है, क्योंकि आपसे पहले ही वहाँ पे फिलअप करा लिया जाएगा फॉर्म कि आप तीन सब्जेक्ट कौन सा प्रेफर करते हैं, और एक बार भरने के बाद आपके अंदर चाहे दूसरे सब्जेक्ट का सब कुछ आ रहा होगा, फिर भी आप जो है कुछ नहीं कर सकते, जो मेरे साथ हुआ। और लॉजिक वो कुछ और ही था, सब थ्योरेटिकल चीज़ें थी, कोई मैथमेटिक्स नहीं था, तो मैं वहाँ पे साफ गलत हो गया। फिर भी मेरा जो सिविक्स था वो 100% सही था, हिस्ट्री सही था, हिंदी सही था, जीके का पोर्शन थोड़ा नहीं बहुत बढ़िया था, बट रीजनिंग मेरा बढ़िया था। तो कुल मिला के अप्रॉक्स मेरा 154 मार्क्स आ गए थे, तो 154 मार्क्स मेरा मेन कैंपस हो गया, बट मैं जहाँ तक मेरी थिंकिंग थी 180 प्लस जाता मैं आराम से, बट लॉजिक लेने के बाद मैं गलती कर गया। वहाँ अगर मैं ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स किया होता तो शायद और बढ़िया रिजल्ट आ सकता था। तो कोशिश करिएगा वो सब्जेक्ट लीजिएगा जो आपका पहले से ही फर्स्टली बढ़िया चला आ रहा हो, और आगे भी आप बढ़िया उसमें कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा हो गया। उसके बाद पहली बात तो इन्होंने रिजल्ट लेट में निकाला, उसके बाद फिर इनकी काउंसलिंग भी सर ऑनलाइन चल रही कोविड की वजह से, आप सब जानते हैं। तो ये नॉर्मली इतना सब सिलेबस चला, उसके बाद आगे फिर इनका काउंसलिंग हो गया। और अगर आप एक चीज़ मान लीजिए, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो मिनिमम आपको 150 प्लस तो लाना ही मेन कैंपस के लिए कंपलसरी। अगर उससे नीचे आते तो आपके पास मान चलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो बढ़िया मिलेगा ही नहीं मेन कैंपस में, अगर हो एडमिशन हो भी जाएगा। इस टाइम तो इस बार का जो मैं बता रहा हूँ 144 गया है OBC का, तो इस समय मान चलिए उनको बहुत बढ़िया कम कॉम्बिनेशन नहीं मिला है। तो ये मान चलिए अगर आपको बढ़िया कॉम्बिनेशन चाहिए तो 155-160 से अब रहिए OBC कैटेगरी में, और जब जनरल कैटेगरी वाले उनसे मैं ही कहूँगा कि 160-170 के ऊपर जाएँ, जितना बढ़िया आप ऊपर जाएंगे उतना बढ़िया आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस मिलेगा।
एससी कैटेगरी वालों के लिए इस बार तो 116 तक गया था अप्रॉक्स, तो मैं यही कहूँगा कि 130 तक आप कोशिश करिए, अगर उससे ज़्यादा आप ले आते तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इतना नंबर कैटेगरी रहता है लगभग लगभग। उसके बाद एडमिशन हो गया, मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, आपसे नॉर्मली बता दिया। और उसके बाद एडमिशन हो जाएगा, फिर आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा, आप सब्जेक्ट कर सकते हैं। इस बार तो सब कुछ ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं लगता। आपकी फीस को थोड़ा डिटेल्स दे देता हूँ। जैसे आप 3 सब्जेक्ट लिए हैं उसमें कोई प्रैक्टिकल अगर नहीं है तो 964 रुपये अप्रॉक्स लगता है, और अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 1126 रुपये लगता है। उससे ज़्यादा फीस नहीं लगती है, एक साल का बता रहा हूँ मैं आपको। और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, आप मेन कैंपस जा सकते हैं। और बस इतना ही था, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ें, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैंने जो पेपर वहाँ पे देखा, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री, सिविक्स, मतलब इसको कौन सा बढ़िया होगा, फाइन आर्ट्स, तो ये आप चीज़ सोच के बैठे रहिए कि क्या हिंदी लेते हैं तो क्या संस्कृत ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ये क्वेश्चन भी मन में बहुत रहता है, क्योंकि दोनों का ग्रामर लगभग लगभग बराबर रहता है, इक्वल रहता है। अगर आप हिंदी ले रहे हैं तो आप संस्कृत ले लेंगे तो आपके लिए बढ़िया कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये मैं आपको कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ ये मैटर नहीं करता आप संस्कृत ले रहे हैं हिंदी ले रहे हैं, मैटर करता है आप नंबर कितना बढ़िया पा रहे हैं, क्योंकि आपका एडमिशन नंबर के बेस पर होगा, ना कि हिंदी और संस्कृत के बेस पर होगा। तो ये इतनी छोटी मोटी बातें थी, अगले जो वीडियो आएगा उसमें मैं सिलेबस का डिटेल्स, पूरी डिटेल्स वाइज सिलेबस लेके आऊँगा, और उसमें आपको बताऊँगा कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए और कौन सा कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक कम टाइम में बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और जितना बढ़िया नंबर उतना बढ़िया आपका सब्जेक्ट प्रेफरेंस, और वही आपका आगे की नींव होगी। दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपने देख चुके हैं और आपको कुछ मुझसे कुछ मिला है तो आप कोशिश करिए इस जो मैंने बताया अपने अनुभव जो दिए इस साल के, आप उसे कुछ लोगों को शेयर करें जो आने वाले समय में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर जो चाहते हैं कि इसे जो 4 महीने बाद जो एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है मैं उसमें कुछ बढ़िया वीडियो बनाऊँ और मैं आपको उस तरीके से गाइड करूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, 10-15 दिनों में क्या पढ़ना चाहिए, 1 महीने रहें आपके पास तो क्या आप 2 घंटे पर डे देखे क्या आप एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकते हैं। तो ये सब अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप जाके कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या चाहिए क्या, और मैं आपको बताऊँ अपने इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे उनके आने में कोई सा प्रॉब्लम ना हो। और आप कोई भी अगर क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं और उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।